हेलो गाइस, आर्किटेक्चर में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडियन नेवी की ओर से भी बड़ी नोटिफिकेशन आ गई है, उनकी भी वैकेंसी आ गई है, उनके जो फॉर्म है वो भी फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यार पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा वीडियो के लास्ट में, बने रहना, पूरा बताऊंगा कि कितनी क्वालिफिकेशन है इस बार और कितनी फीस रखी गई है। तो यार वीडियो के लास्ट में बने। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम इंडियन जो नेवी SSR और AA MR भी इस बार साथ में फिल हो रहे हैं, इसके फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म, तो उसकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो फॉर्म है जो स्टार्ट हो रहे हैं वो है 14 दिसंबर 2018। 14 दिसंबर से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो है 30 दिसंबर, और इसकी जो लास्ट पेमेंट मोड जो रखा गया है कि डेट जो लास्ट पेमेंट की वो भी 30 दिसंबर ही रखी गई है। और उसके साथ अगर मैं बात करूँ इसकी जो लास्ट डेट है फाइनल सबमिशन, वो भी 30 दिसंबर ही रखी गई है। एडमिट कार्ड है वो जनवरी महीने में आना शुरू हो जाएंगे और उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो फरवरी महीने में होगा। और इसके साथ अगर मैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करूँ, जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल और ओबीसी के लिए रखी गई है वो है 205, मतलब 205 रुपये जो फीस रखी गई है। हाँ, इसके अलावा जो ST और SC और ST के लिए फ़ीस नहीं रखी गई है। तो जो आप देख सकते हैं कि पेमेंट जो मोड है वो रखा ऑनलाइन पेमेंट, आप करा सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड, या आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप उसके माध्यम से करा सकते हैं। हाँ, उसके ऑफलाइन भी करा सकते हैं, आप बैंक चलान के थ्रू भी कटवा सकते हैं। और तो मैं बात करूँ ये एज लिमिट रखी गई है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि SSR की जो एज लिमिट रखी गई है 1 अगस्त 1998 टू 31 जुलाई 2000। और अगर मैं AA के बारे में बात करूँ, जो AA की रखी गई है वो रखी गई है 1 अगस्त 1992 31 जुलाई 2002। और MR की जो रखी गई है 1 अक्टूबर 1998 टू 30 सितंबर 2002। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँगी कितनी क्वालिफिकेशन रखी गई है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँगी SSR की जो क्वालिफिकेशन है मैथ फिजिक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का कंप्यूटर साइंस, इन तीनों सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। AA के अगर मैं बारे में बात करूँ तो आपके जो परसेंटेज, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नॉन मेडिकल होना चाहिए और आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ फिजिक्स विद वन ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट या केमिस्ट्री बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, इन तीनों सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। और आपके जो मिनिमम मार्क्स है वो 60% से ऊपर होने चाहिए। और MR के बारे में अगर बात करूँ तो MR के लिए आपको सिर्फ 10th पास ही चाहिए। इसके अलावा उसके बारे में बात करूँ कि कितनी कितनी पोस्ट रखी गई है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि SSR की जो पोस्ट रखी गई है वो रखी गई है 2500 पोस्ट रखी गई है, और AA की जो पोस्ट रखी गई है वो रखी गई है 500 पोस्ट, MR की जो पोस्ट रखी गई है वो रखी गई है 400 पोस्ट। फिजिकल अगर मैं बात करूँ जो फिजिकल डिटेल के बारे में, क्या क्या फिजिकल चाहिए आपको, हाइट जो रखी गई है वो रखी गई है 157 सेंटीमीटर, रनिंग है जो रखी गई है वो रखी गई है 1.6 सेंटीमीटर कंप्लीट इन 0.7 मिनट्स। तो आप ये देख लेना, स्क्वेट्स रखे गए हैं 20 टाइम्स, आप देख सकते हैं उठक बैठक, पुशअप्स रखे गए हैं 10 टाइम्स। उसके अलावा अदर कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है। हाँ, अगर आप कोई एडवाइसमेंट्स का डाउनलोड करना चाहते हैं, उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर टैक्स से एडवाइसमेंट जो डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई के लिए आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म जो रखा दिया गया, उसके सामने आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म है वो 14 दिसंबर 2018 से स्टार्ट होंगे। और ये आप देख सकते हैं यार, इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। वीडियो अच्छी लगी हो यार कर दो लाइक, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप पे। आज की वीडियो बस इतना ही।